समूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय चार। समूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय चार और समूएल का वचन सारे इसराइल के पास पहुंचा और इसराइली पलिश्तियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने तो एबेनेजर के आसपास छावनी डाली और पलिश्तियों ने आपेक में छावनी डाली। तब पलिश्तियों ने इसराइल के विरुद्ध पांति बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इसराइली पलिश्तियों से हार गए और उन्होंने कोई 4,000 इसराइली सेना के पुरुषों को मैदान ही में मार डाला और जब वे लोग छावनी में लौटाए तब इसराइल के वृद्ध पुरुष कहने लगे कि यहोवा ने आज हमें पलिश्तियों से क्यों हरवा दिया है, आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शिलो से मांग ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। तब उन लोगों ने शिलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दो पुत्र होपनी और पिनहास भी वहां थे। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इसराइली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गुंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर पलिश्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया। तब पलिश्ती डरकर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी, हाय ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? ये तो वे ही देवता है जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। हे पलिश्तियों, तुम हियाव बांधो और पुरुषार्थ जगाओ, कहीं ऐसा न हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ, पुरुषार्थ करके संग्राम करो। तब पलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इसराइली हारकर अपने अपने डेरे को भागने लगे और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इसराइली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी मारे गए। तब एक बिन्यामिनी मनुष्य ने सेना में से दौड़कर उसी दिन अपने वस्त्र फाड़े और सिर पर मिट्टी डाले हुए शिलो में पहुंचा। वह जब पहुंचा उस समय एली, जिसका मन परमेश्वर के संदूक की चिंता से थरथरा रहा था, वह मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा बाट जोह रहा था और जो ही उस मनुष्य ने नगर में आकर वह समाचार दिया त्यों ही सारा नगर चिल्ला उठा। चिल्लाने का शब्द सुनकर एली ने पूछा, ऐसे हुल्लड़ और हाहाकार मचाने का क्या कारण है? और उस मनुष्य ने झट जाकर एली को पूरा हाल सुनाया। एली तो 98 वर्ष का था और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी और उसे कुछ सूझता न था। उस मनुष्य ने एली से कहा, मैं वही हूं जो सेना में से आया हूं और मैं सेना से आज ही भाग आया। वह बोला, हे मेरे बेटे क्या समाचार है? उसने समाचार देने वाले ने उत्तर दिया कि इसराइली पलिश्तियों के सामने से भाग गए हैं और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ है और तेरे दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी मारे गए और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। जो ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़े और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। उसने तो इसराइलियों का न्याय 40 वर्ष तक किया था। उसकी बहू पिनहास की स्त्री गर्भवती थी और उसका समय समीप था और जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना तब उसको जच्चा का दर्द उठा और वह दुहर गई और उसके एक पुत्र हुआ। उसके मरते मरते उस स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा, मत डर क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया और
न कुछ ध्यान दिया और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा कि इस्राएल में से महिमा उठ गई। फिर उसने कहा, इस्राएल में से महिमा उठ गई है क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है।